बिना पैसे मिठाई नहीं दी तो दरोगा ने पीटा। दुकानदार ने कहा हॉर्न बजा कर बुलाते रहे, नहीं गए तो मारपीट की। वीडियो वायरल, दरोगा सस्पेंड। कानपुर की कल्याणपुर थाने की दरोगा ने बगैर पैसे सामान नहीं देने पर दुकानदार को पीटा और बवाल काटा। दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि सड़क पर जाकर दरोगा को अटेंड नहीं किया और बगैर पैसे दिए सामान नहीं पहुंचाया। वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद ही दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। कल्याणपुर थाने के मसवानपुर में रहने वाले राकेश साहू का सराय चौराहे पर बालाजी स्वीट्स नाम से स्वीट हाउस और रेस्टोरेंट है। उनका आरोप है कि रविवार रात पनकी रोड चौकी पर तैनात दरोगा सवेंद्र कुमार नशे की हालत में कार से दुकान के बाहर पहुंचे। पहले तो हूटर बजाया, फिर हॉर्न बजाकर उन्हें बुलाया, लेकिन वो सड़क पर नहीं गए, दुकान के काउंटर पर ही बैठे रहे। आरोप है कि इसी बात को लेकर दरोगा सवेंद्र भड़क गया, गाली गलौज करते हुए कार से उतरा। इसके बाद दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी। दुकानदार ने कहा कि सड़क पर कैसे सामान पहुंचाया जा सकता है, आपको जो चाहिए यहां आकर बताइए और पेमेंट कीजिए, इसके बाद आपका सामान गाड़ी में पहुंचा दिया जाएगा। होटल मालिक और ग्राहकों के विरोध करने पर भी दरोगा ने गाली गलौज बंद नहीं की। इस पर होटल मालिक ने कंट्रोल रूम फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरोगा को वहां से लेकर चली गई। डीसीपी ने सोमवार सुबह दरोगा को सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो और प्राइमरी जांच में दरोगा पर लगे सभी आरोप सही पाए गए थे।